भरतपुर युव क्रिकेटर आकाश सिंह कमाल गांव में रहुतिबा आकाश खेल पड़िया रे एमिति एक कारनामा करिछंती जहां आगरु केबे भी होइनथिला। जयपुर रे चालीथिबा भवन सिंह देवरा मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट रे गोटी मैच रे आकाश हासिल करिछंती समस्त 10टी विकेट ता पुणी कोनोसी रन न दे चारि ओवर बोलिंग करी चारिटी जाको मेडन ओवर सह आकाश समस्त 10 बैट्समैन को पवेलियन को फेराई देथिले। यहारे भितरे आकाश हैट्रिक मध्य अर्जन करिथिले। एहि बिरळ कृतित्व हासिल करिथिबा आकाश सिंह को भेटिछंती आम प्रतिनिधि। मैच में 10 विकेट एक साथ झटके और वो भी बिना कोई रन दिए, ये वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं। और ये करिश्मा कर दिखाया है भरतपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले आकाश चौधरी ने। राजधानी में चल रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आकाश ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। सबसे पहले तो आकाश, इसकी उम्मीद थी आपको? जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ओ, अच्छा दिन था और जो भी था हो गया बस। अच्छा, मतलब कैसा लगा जब आप बिना कोई रन दिए? सबसे खास बात ये होती है कि 10 के 10 विकेट आप झटक लेते, तो मतलब किस तरह की फीलिंग है? अच्छा फील कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10 विकेट लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 विकेट 6 विकेट अपन कह सकते हैं कि हाँ मेहनत से ले लिए, और 10 विकेट पे थोड़ा किस्मत का भी साथ रहता है। 10 विकेट लिए उसमें। अच्छा, किस तरह का मैच था कल का और क्या किस कैसे आपने जीता, और उस मैच के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैच में पहले हमारी बैटिंग थी तो विकेट थोड़ा गीला था, इतना आसान नहीं था विकेट बैटिंग के लिए। तो हमने 155 रन बनाए, काफ़ी अच्छा डिसेंट टारगेट था। तो उसके बाद हमारी बॉलिंग आई तो हमारा टारगेट यही था कि हम जल्दी से जल्दी आउट करें और टूर्नामेंट में बने रहें। अच्छा, क्या मुश्किल लगा आपको वहाँ पर? किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि ये विकेट काफ़ी मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए भी आपने, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपके साथ में किस्मत का भी रोल रहा और कहीं ना कहीं मेहनत का भी रोल रहा, या दोनों में से आप किसको इसका श्रेय देते हैं? जी, किस्मत का भी रोल था और मेहनत का भी था, मगर किस्मत का कहना चाहूँगा क्योंकि किस्मत थी तो 10 विकेट मिल गए। अच्छा, आगे की किस तरह की आपकी तैयारी है, क्या करना चाहते हैं आप और कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं यहाँ? जी, पहले तो टारगेट यही है कि पहले 16 राजस्थान खेलूँ, उसके बाद अब बरकरार मेहनत करूँगा और काफ़ी अच्छा करूँगा और अच्छा कर सकता हूँ। भले ही ये टूर्नामेंट ऑफिशियल नहीं हो, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं शामिल ना किया जाए, लेकिन एक अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा इसे कहा जा सकता है, एक बेहतरीन टैलेंट इसे कहा जा सकता है, जो कि गांवों से छोटे कस्बों से निकल करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए आगे आ रहा है। कैमरा पर्सन राजन चौधरी के साथ महेश दाधीच, ETV News, जयपुर।